दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में और समझेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का पूरा गवर्नेंस आर्किटेक्चर किस तरह से डिवाइडेड है हम आपको बता दें कि भारत के संविधान के हिसाब से इंडिया एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करता है इसका मतलब है कि यहाँ पर मेनली पॉलिटिकल पावर यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड है इसके अलावा गांधी आइडल से इंस्पायर होकर सेवेंटी और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने पॉलिटिकल पावर को आगे डिसेंट्रलाइज करते हुए पंचायती राज और म्यूनसिपल गवर्नमेंट भी क्रिएट किए ताकि पावर केवल हायर लेवल्स पे कंसंट्रेट ना हो और लोकल लेवल पर लोगों को एम्पावर किया जा सके ऐसे डिवीज़न ऑफ पावर को क्रिएट करने का मेजर पर्पस था टू टेक डेमोक्रेसी टू द डोर स्टेप्स ऑफ द पीपल इसके अलावा इसका एम ये भी था कि लोगों को भारत की राज्य व्यवस्था में प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाए और उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एफिशियंट और इफेक्टिव गवर्नेंस में भी हेल्प करता है क्योंकि लोकल्स अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और उसका समाधान भी वो बेटर तरीके से कर सकते हैं इसके अलावा हमारे देश में ह्यूज डाइवर्सिटी के चलते इन ब्रॉड डिवीजन के अलावा भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हियर इज द लिंक एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स इससे पहले कि हम करंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को समझें ये जरूरी है कि भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम ब्रीफ में जान लें दोस्तों इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया लार्जली टू पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइडेड था पहला था ब्रिटिश प्रोविंसेस जिन्हें डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स जिनका ऑफिशियल कंट्रोल नेटिव प्रिंस के पास था ब्रिटिश क्राउन के पैरामाउंटी के अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद 26 जनवरी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ तब इंडियन यूनियन फोर मेजर पार्ट्स में कैटेगराइज था पार्ट ए में नाइन स्टेट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नर के प्रोविंस हुआ करते थे जैसे असम बिहार बॉम्बे और मध्य भारत पार्ट बी में वो नाइन प्रिंसली स्टेट थे जिनके पास अपना लेजिस्लेचर था जैसे हैदराबाद जम्मू एंड कश्मीर मैसूर राजस्थान एक्सेट्रा पार्ट सी में वो स्टेट्स थे जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर के अंडर थे और इनमें कई और छोटे प्रिंसली स्टेट्स भी इंक्लूडेड थे जैसे अजमेर भोपाल बिलासपुर दिल्ली हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे 1953 में फजल अली के अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पर स्टेट री एक्ट 1956 और सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत ये फोर फोल्ड डिस्टिंक्शन एबॉलिश कर दिया गया और इंडियन यूनियन को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इंडिया को सिक्स टी एड हायरकिड किया गया इसमें सबसे ऊपर था इंडियन यूनियन फिर जोन्स उसके बाद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फिर डिवीजन देन डिस्ट्रिक्ट उसके बाद सब डिविजनल या फिर तहसील और उसके बाद लोकल बॉडीज अगर हम इस सिक्स ईयड हरारकी के इंडिविजुअल कॉम्पोनेट्स की बात करें तो इंडियन यूनियन के बाद हर में सबसे पहले आता है जोन जोन की बात करें तो वो हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजनस हैं जिनमें टोटल सिक्स जोन्स हैं और इनका एडमिनिस्ट्रेशन जोनल काउंसिल्स करती हैं जोनल काउंसिल स्टैचुरी बॉडीज हैं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर स्टैब्लिश हुई और यूनियन होम मिनिस्टर इन्हें हेड करते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत बनाया गया था स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैनशिप को रोटेशनल बेसिस पर होल्ड करते हैं सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के वाइस चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डी -E होते हैं लेकिन ये मेनली एडवाइजरी बॉडीज हैं है states, और इनके मेन फंक्शंस हैं स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज और सेंटर के बीच कॉपरेशन एंश्योर करना करेंटली जोनल काउंसिल्स का कॉम्पोजिशन इस प्रकार है अब हम बात करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की इंडियन यूनियन को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है पहले तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कई कमीशंस ने रिजेक्ट किया लेकिन फजल अली कमीशन ने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट किया पर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर बना और यही वजह है कि कई स्टेट्स लिंग्विस्टिकली सेम होने के बाद भी डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किए गए खैर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सिक्स द्वारा स्टेट्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं जिसमें आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव का कॉम्पोजिशन इस प्रकार है गवर्नर डी ज्यूरी या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है चीफ मिनिस्टर डी फैक्टो या रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिनके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को हैंडल है करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग गवर्नर को एड एंड एडवाइस करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स स्टेट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं आर्टिकल 168 से 212 स्टेट लेजिस्लेचर से डील करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज के ऑर्गेनाइजेशन में काफी डिफ्रेंसेज हैं कई स्टेट्स जैसे पंजाब हरियाणा गुजरात यूनी कैमरल सिस्टम फॉलो करते हैं यानी जहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है लेकिन सिक्स स्टेट्स आंध्र प्रदेश तेलंगाना उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र और कर्नाटका बाई कैमरल सिस्टम को फॉलो करते हैं यानी दोनों हाउसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है आर्टिकल 371 से 371 जे द्वारा 12 स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और गुजरात नागालैंड असम मणिपुर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा और कर्नाटका के लिए स्पेशल प्रोविजन मैंशन है स्पेशल प्रोविजन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ट्राइबल कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा को एड्रेस करने के लिए दिए जाते हैं को स्पेशल ट्रीटमेंट कई तरह से दिया जाता है फॉर एक्साम्पल बैकवाटन से डील करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट कुछ स्टेट को स्पेशल ग्रांट्स देती हैं हैं यूनियन टेरिटरीज टेरिटरीज सेंट्रली जिन्हें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर एडमिनिस्टर करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट एट के आर्टिकल 239 से 241 यूनियन टेरिटरी से डील करते हैं इंडिया में टोटल आठ यूनियन टेरिटरीज हैं अंडमान एंड निकोबार चंडीगढ़ ऑफ दिल्ली दादरा नागर हवेली एंड एंड दमन दीव लक्षदीप पाण्डुचेरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन्हें प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स गवर्न करते हैं इन ड्यूटीज के लिए पार्लियामेंट तीनों लिस्ट सेंट्रल स्टेट और कंकरेंट लिस्ट पर लॉ बना सकती है आर्टिकल 239 ए और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत पाण्डुचेरी और सिक्सटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के आर्टिकल 239 ए ए के द्वारा दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करती हैं

और इशू सुप्रीम कोर्ट में गया जुलाई 4, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी सिर्फ रेयरस्ट ऑफ रेयर केस में प्रेसिडेंट को रिफर कर सकते हैं और एलजी का कंकरेंस हर मैटर में जरूरी नहीं है लेकिन 2021 में पार्लियामेंट ने एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021 ट्वेंटी इनाक्ट किया जिसको लेकर डिबेट चालू हो गए हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये एक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल बना देगा ऐसे ही पावर टसल पाण्डुचेरी में भी देखा गया है इसी के साथ पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 पास किया जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर स्टेट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ पहला है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जहां लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है और यहां भी आर्टिकल 239 ए के प्रोविजन अप्लाई होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करते हैं और दूसरा पार्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर सिविल सर्वेंट्स के असिस्टेंट से लद्दाख को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं लाइक अदर यूनियन टेरिटरीज कई स्टेट्स डिवीजन या मंडल में सब डिवाइडेड है डिवीजन कई डिस्ट्रिक्ट्स का अकोमोलेशन होता है इंडिया में 28 में से 17 स्टेट्स में ऐसे डिवीजन है ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं और स्टेट कंट्रोल में रहती हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र सिक्स डिविजन में डिवाइडेड है अमरावती औरंगाबाद कोंकण नागपुर नासिक और पुणे सीनियर आई ऑफिसर या डिविजनल कमिश्नर इन्हें हेड करते हैं डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में सब डिवाइडेड है और ये ग्रुप ऑफ तहसील्स का है इन्हें भी एक आई ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है नो no इंडिया जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल है उसके अनुसार इंडिया में 718 हंड्रेड हैं इन्हें क्रिएट करने की पावर स्टेट के पास होती है रिसेंटली फोर्टीन मई ट्वेंटी को पंजाब ने मलेर कोटला डिस्ट्रिक्ट स्टैब्लिश किया जो पंजाब का ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट कई तहसील में सब डिवाइडेड होते हैं इन स्टेट के हिसाब से तहसील सर्किल या तलुका कहा जाता है कई विलेज या विलेज क्लस्टर्स को एकोमिलेट करके तहसील बनता है और इन्हें तहसीलदार द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है तहसीलदार का फंक्शन मेनली रेवेन्यू रिलेटेड होता है डेवलपमेंटल फंक्शंस जैसे रोड वाटर सैनिटेशन और हेल्थ ये अब पंचायती राज गवर्नमेंट के अंडर आते हैं लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है विलेज एरियाज में लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है जैसा कि हमने पहले बताया अमेंडमेंट एक्ट द्वारा पंचायती राज का हुआ इन्होंने रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बूस्ट किया और इस एक्ट के द्वारा पार्ट नाइन और शेड्यूल इलेवन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए इसी के साथ यहाँ के थ्री टीयर स्ट्रक्चर स्टेब्लिश किया गया ग्राम पंचायत विलेज लेवल में पंचायत समिति ब्लॉक या तहसील लेवल में जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायत इलेक्टेड बॉडीज हैं और इनकी टेन्यर फाइव ईयर का होता है और विमेन के लिए मिनिमम वन थर्ड सीट्स कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्व है इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी उनके पॉपुलेशन के अनुसार सीट्स रिजर्व की गई हैं इलेवन शेड्यूल में ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट मैंशन किए गए हैं जो पंचायत के प्रिव्यू में आते हैं इनमें मेन सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर माइनर इरीगेशन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल हाउसिंग रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन एक्सेट्रा सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नाइन नाइनटी टू द्वारा

डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी एडमिनिस्टर करते हैं जिनकी पॉपुलेशन टेन लाख से ज्यादा है यहाँ मेयर लेजिस्लेटिव हेड है और म्यूनसिपल कमिश्नर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरियाज जैसे मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई बैंगलोर एक्सेट्रा को एडमिनिस्टर करने के लिए आर्टिकल टू फोर्टी के अंडर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी स्टेबलिश किए जाते हैं शेड्यूल्ड एरियाज ऐसे एरियाज को कहा जाता है जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड और ट्राइबल पॉपुलेशन से इन्हेबिटेड हो शेड्यूल फाइव द्वारा शेड्यूल्ड एरियाज को एडमिनिस्टर किया जाता है और शेड्यूल सिक्स के द्वारा ट्राइबल एरियाज को शेड्यूल फाइव प्रेजेंटली टेन स्टेट्स में एप्लीकेबल है आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उड़ीसा झारखंड हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस प्रकार हैं प्रेसिडेंट गवर्नर के कंसल्टेशन से एक एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल द्वारा इन्हें एडमिनिस्टर किया जाता है गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं कि पार्लियामेंट्री या स्टेट लॉज यहाँ पर अप्लाई होंगे या नहीं शेड्यूल सिक्स द्वारा फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर किया जाता है इन स्टेट्स में सो फार टेन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स सिक्स शेड्यूल के अंडर हैं। इन स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी काउंसिल कई सब्जेक्ट जैसे लैंड फॉरेस्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इनहेरिटेंस सोशल कस्टम्स मैरिज और डायवोर्स पर लॉ बना सकती है हालांकि इन लॉज के लिए गवर्नर का एसेंट होना जरूरी है सिक्स शेड्यूल की डिस्टिट एडवांटेजेस हैं जैसे डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्टिंग कल्चर स्पीडी ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो डेवलपमेंटल अथॉरिटीज को एड कर सकती हैं रिसेंटली आर्टिकल 370 सेवेंटी के रिवोकेशन के बाद लद्दाख जहां मोर देन 97 परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है वो आउटसाइड नॉन ट्राइबल इंटरफेरेंस के पॉसिबल इम्पैक्ट से डरकर लद्दाख को सिख शेड्यूल में ऐड करने की डिमांड कर रहे हैं सितंबर 11, 2019 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रिकमेंड भी किया था कि यूटी ऑफ लद्दाख को सिख शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए पर अब तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है ट्राइबल और लोकल्स के डिस्टिंट कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कई स्टेट्स ने भी अपने लेवल पर ऑटोनॉमस एरियाज डिक्लेयर किए हैं इसमें मणिपुर का सदर हिल्स वेस्ट बंगाल का गोरखाह लैंड और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लेह और लद्दाख कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनकी ऑटोनॉमी ये स्टेट्स खुद के लेवल पर इंश्योर करते हैं तो दोस्तों ये थी कहानी हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत